प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फलहार करो उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया है, नमक की वर्जितता जिस समय पर, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव, प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही, क्या करे वो, अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती, कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो, सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही, जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था, और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है, कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई, और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जावे, मुझे कुछ भोजन मिल जावे, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पवाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहाँ पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहाँ पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रस तत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ, और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा, इसमें तो स्वाद नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा, घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बड़े होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर, अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना,
ब्राह्मण कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। समाज के अनुकूट होते हैं, समाज के जब अनुकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अनुकूट होते हैं, बड़े बड़े समाजों में जब कार्तिक महीने में अनुकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अनुकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया, एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई, इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली जाती। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डलने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची 25,000 सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो, एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा नहीं? कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के महाराज। ब्राह्मणी ने जैसी मुख में लिया थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस पुकाना वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति में भी करूंगी, ऐसी आराधना में भी करूंगी, अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फलकाहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक, ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे वो भी पाव। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते, एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता तो क्या कर लेते, हाथ एक देता और एक गायब कर देता तो क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाया, तूने अच्छा घर दिया, दो समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया कथा सुनाने वाला। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के
दरवाजे पर या शिव मंदिर में अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा, कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, दो चार सोमवार करो और उसके बाद कहते महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं, दो एक प्रदोष करा तुमने, अरे एक आध साल करो, सारे दरबार भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सही, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महा देव से कहना। करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले, भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो, अपन अकेले कम है क्या भाई, अपन कम पड़े, आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन दो ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर आराधना कर कर सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियाँ दीजिए 108 बार, जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियाँ दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर चरणों को नमन कर कर दक्षिणा प्रदान कर कर निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं, फिर नमन कर कर